नेक्स्ट, आपकी और आपकी सफलता के बीच में सबसे बड़ी रुकावट जो कामयाब नहीं होने देती वो क्या है बताएंगे? आपके और आपके बीच में एक सबसे बड़ी रुकावट जो आपको कामयाब नहीं होने दे रही है आज तक वो क्या है बताइए। जी मैडम, सोच, वेरी गुड सोच। और कोई है जी? और बताइए, बस दो ही लोगों को सोच या सबकी सोच? बहुत सारी बातें हो सकती है, है ना? आसान करते हैं इसको, आप सही जगह पहुंच गए जो मैं पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन फिर भी आसान करते हैं। आपको मालूम है कि वो है, लेकिन उसके अलावा आप बहाने कुछ और बनाते हो। उन बहानों की बात कर रहा हूं मैं। नंबर वन, सर बिजनेस कर तो लूं लेकिन भागा दौड़ी के लिए पैसा नहीं है सर। अगर पैसा हो ना देखो फिर तो पूरा हिंदुस्तान जोड़ दूं मैं। अरे पैसा होता तो हमारे साथ ही नहीं जुड़ता, पैसा नहीं है तो जुड़ रहा है, और जुड़ गया तो फिर क्या कहता है? सर वो मीटिंग में चला तो जाऊं सर, वहां पे जाने का सर 500-700 रुपए खर्च हो जाता है सर। सर उस लीडर को जोड़ तो दूं सर, वहां जाने का सर 1000-1500 रुपए लग जाएगा सर। पहले महीने में, पहले साल में बैलेंस शीट बन जाती है हमारी। ज्यादातर नेटवर्कर की 3 महीने में बैलेंस शीट तैयार हो जाती है। फाइनेंशियल ईयर 1 साल का होता है जो सरकार बोलती है, लेकिन नेटवर्कर का फाइनेंशियल ईयर 1 महीना या 3 महीना होता है। 1 महीना करेगा, दूसरे महीने करेगा, तीसरे महीने करेगा, घर पे बैठेगा अपनी वाइफ के साथ, बैलेंस शीट तैयार, खर्चा कितना हुआ, इनकम कितनी आएगी, वाइफ कहेगी घर बैठो, खर्चा हो गया तुम्हारा ज्यादा, तभी हम फेल है। तो आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं कामयाब नहीं हूं। ये झूठ है आपका। इस इंडस्ट्री में मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को आपसे मिलवा सकता हूं, बहुत सारे लोगों को दिखा सकता हूं जिनके पास पैसे नहीं थे, आज वो मर्सिडीज, ऑडी, जगुआर में चल रहे हैं। और आपने भी देखे होंगे, मैं कोई दिखाऊंगा नहीं, आपने देखे होंगे, आप ऐसे लोगों को जानते होंगे। पैसा नहीं था उनके पास, मैं आपके सामने खड़ा हूं, मेरे पास कौन सा पैसा था? बल्कि जो पैसा था वो सब हमने लगा दिया भागा दौड़ी में, अपना खुद का जेवर, वाइफ का जेवर, सब लगा दिया भागा दौड़ी में। मैं ये हर मीटिंग में बताता हूं इसलिए कि आप ये गलती ना करें। मेरे अंदर एक अलग जुनून था, अलग लेवल था, अलग बिलीव था। मुझे पता लग चुका था अगर मैं खोऊंगा तो पाऊंगा भी यहीं से, ये बिलीव था मेरे अंदर, तो मैं कर गया। हो सकता है आप मेरे को सुन के आप भी ये गलती कर दें कि चलो जेवर बेच देते हैं, लेकिन आपका वो बिलीफ सिस्टम ना हो और आप बर्बाद हो जाए, तो कभी मत करना इसको। बिलीफ सिस्टम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उनके जो उनकी लैब थी उस लैब के अंदर एक रात को आग लग गई, सब कुछ बर्बाद हो गया। बाहर लोग उनको सांत्वना देने पहुंचे, सब कुछ खत्म हो गया। उन्होंने कहा नहीं, मेरी गलतियां खत्म हो गई, मैं दोबारा से शुरू, सब कुछ खत्म नहीं हुआ, एक चीज जिंदा है, वो है होप, वो है आशा, उस होप से मैं दोबारा सब कुछ खड़ा कर सकता। तो बिलीफ सिस्टम, होप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप में से बहुत सारे लोग आज यही सोचते होंगे, पैसा होता तो मैं ये कर जाता। मैं गारंटी दे रहा हूं आपको 5 लाख रुपए मिल जाए तब भी नहीं कर पाओगे, आप कंफर्ट जोन में चले जाओगे। आप कहोगे अब तो लाइफ सेट हो गई, 5 लाख आ गया यार। इस पूरी दुनिया में मैक्सिमम लोग जो कामयाब होते हैं ना, उनको उनकी जिंदगी का अभाव कामयाब कराता है, कंफर्ट जोन कभी कामयाब नहीं कराता, अभाव कामयाब कराता है। अगर आपके पास भागा दौड़ी के लिए पैसे नहीं है, अपनी पीठ थपथपा लीजिए, यह अभाव आपकी फोर्स बन सकता है, आपकी ताकत बन सकता है, आपको सफलता के रास्ते पर बहुत तेजी से ले जा सकता है। यह फ्यूल है, यह ईंधन है, लेकिन हम इसको क्या बना लेते हैं? ब्रेक दबा दे, ब्रेक समझ लेते हैं हम इसको, अपनी सफलता के रास्ते में एक रोड़ा समझ लेते हैं इसको। तो ये गलत फहमी है। अगर आप ये सोच रहे हो पैसा होता मैं कामयाब हो जाता, ये बहुत बड़ा मिथ है आपका। नंबर टू, अरे सर उनके पास तो बहुत नॉलेज है, मेरे पास नॉलेज ही नहीं है, मेरी को सुनता ही नहीं है। नॉलेज होगी फिर देखो मैं क्या कर दूंगा। जिस दिन अजय शर्मा जी जैसा बोलना आ गया उस दिन देखो मैं क्या कर दूंगा। भाई अजय शर्मा को भी एक दिन बोलना थोड़ी आता था। जो पुराने लोग मेरे साथी जानते हैं उनको मालूम है मैं इस स्पीकर से बहुत डरता था, इस माइक से बहुत डरता था।
लेकिन आज आप सवेरे मीटिंग शुरू हुई है, शाम को 6 बजे तक खूब बुलवा लो आप थक जाओगे, मैं नहीं थकूंगा, वही हूं। हां, नॉलेज कामयाब बनाती है बाहर की फील्ड में, अगर आपको नहीं है तो आप बर्बाद हो गए। लेकिन नेटवर्क बिजनेस में मजा क्यों है, क्योंकि यहां पे किसी दूसरे की नॉलेज आपके लिए काम कर रही है। आपको बोलना अच्छा नहीं आता, हमारे सामने बैठाओ ना, तो मैं आपके लिए बोल रहा हूं ना, आपकी अपलाइन आपके लिए बोल रही है ना, तो ये तो एक बहाना हुआ ना, मेरे पास नॉलेज नहीं है इसलिए मैं कामयाब नहीं हो रहा। जूम पे आपको बोलना नहीं पड़ता, आपकी अपलाइन आती है, वो मीटिंग देती है, उसको एक्सपीरियंस है, वो अपनी इनकम, अपना अनुभव, वो सब कुछ बताते हैं, लोग जुड़ जाते हैं। तो ये बहाना है कि मेरे पास नॉलेज नहीं है, इसके बगैर भी आप कामयाब हो सकते हैं। और किसी को नेटवर्क बिजनेस की शुरुआत में नॉलेज नहीं होती, बल्कि कहते हैं जिसको ज्यादा नॉलेज हो जाती है फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है नॉलेज बहुत है अपने पास, तो नेक्स्ट टाइम नहीं है। ये तो सबसे बड़ा बहाना है दुनिया का, इससे बड़ा झूठ तो कोई हो नहीं सकता। अंबानी के पास टाइम है, मेरे पास टाइम नहीं है, क्यों? क्योंकि अंबानी को भगवान ने 6,000 घंटे देके भेजा है, मुझे 24 घंटे ही दिए। आपकी कंपनी में कोई टॉप अपलाइन है, उसका 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख का चेक आ रहा है, सर उसके पास टाइम बहुत ज्यादा है ना, सर भगवान ने उसको टाइम ज्यादा दे रखा है इसलिए वो कामयाब है, मेरे को 24 घंटे दिए, ऐसा है क्या? ये तो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं लोग कि मेरे पास टाइम नहीं है, सबके पास 24 घंटे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि मेरे पास टाइम नहीं है। सच पता है क्या? टाइम मैनेजमेंट नहीं है। अपने टाइम को कहां इस्तेमाल करना है, अपने समय को कहां लगाना है, अपने समय को किसके साथ लगाना है, ये पता ही नहीं है। एक आदमी को जोड़ा, वो मना कर रहा है, 3 महीने से हम उसी के साथ लगे हुए हैं कि बेटा तेरे को बनाएंगे करोड़पति। वो कह रहा तो कितना भी बनाने की कोशिश कर, मेरे को बनना ही नहीं है। आप कह रहे हो मैं तेरे को बनाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब एक कहते हैं मेरे को नॉलेज तो बहुत है, अरे नॉलेज है तो रिजल्ट तो दिखा। डॉक्टर बन गया, डॉक्टर से पैसा नहीं कमा रहा। एडवोकेट बन गया, एडवोकेट बनने के बाद पैसा नहीं कमा रहा। इंजीनियर बन गया, इंजीनियर के बाद पैसा नहीं कमा रहा, तो डिग्री लेने का फायदा क्या हुआ? नॉलेज है, पैसा नहीं कमा रहा, फायदा क्या है? नॉलेज कहां है? अंदर। अभी मैंने एक वीडियो बनाया था, इंटरनल फोर्स अंदर है नॉलेज, बाहर नहीं है। उस नॉलेज को जब तक बाहर फील्ड में अप्लाई नहीं करोगे, किस्मत बदलने वाली नहीं है। डॉक्टर इंटरनल नॉलेज लेता है, फिर क्लिनिक खोलता है, क्लिनिक के बाद लोगों का इलाज करता है, बाहरी दुनिया में जाके एक्शन लेता है, तब इनकम आती है। सही है सर? तो टाइम नहीं है दुनिया का सबसे बड़ा झूठ। टाइम सबके पास है, टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। आपकी पहली प्राथमिकता क्या है, आपको सेट करना पड़ेगा, कोई दूसरा सेट नहीं करेगा। आपके लिए रिश्तेदार की शादी महत्वपूर्ण है, ये अपने जीवन बदलने वाली मीटिंग महत्वपूर्ण है, ये कोई और सेट नहीं करेगा, आपको सेट करना पड़ेगा। समझ में आ रही है? नेक्स्ट, मेरा परिवार मुझे आगे नहीं बढ़ने देता सर। जैसे ही हस्बैंड किसी कंपनी को ज्वाइन करता है, घर से बाहर निकलता है, उसकी वाइफ एक बहुत मोटी चैन खरीद के लाती है, एक बहुत मोटा ताला खरीद के लाती है और उसके पैर में बांध देती है कि सर निकल तो जाऊं लेकिन ये बंधा हुआ है पैर नीचे से। ऐसा होता है क्या भाई? वाइफ क्या चाहती है आपसे? वाइफ यही तो चाहती है, काम करो, मुझे कोई अटैच नहीं, पैसा तो लाओ। आपकी वाइफ कितनी भी नाराज हो इस बिजनेस से, लगे रहो, जिस दिन पैसा आएगा फिर वो घर में नहीं बैठने देगी आपको, वो कहेगी बाहर जाओ। मैंने ऐसे ऐसे परिवार देखे हैं साहब जो मेरे साथ जुड़े थे, जो लोग मेरे साथ जुड़े थे, आज मेरे साथ नहीं है, मेरे साथ जुड़े थे। जब उनको मैं जोड़ रहा था तो उनके मां बाप पता क्या बोलते थे, ये क्या बेकार का काम हमारे बेटे को करवा रहे हो आप, अच्छा खासा डॉक्टर है हमारा बेटा, तुम ये कहां नेटवर्किंग में फंसा रहे हो, डेंटिस्ट बनाया है, 10-15-20 लाख रुपए लगाए हैं, 10-15-20 लाख का क्लिनिक खोल के दिया, कहां डॉक्टर बना, ये बोला मेरे को शुरू में। और धीरे 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 जब पैसा आना शुरू हुआ, मेहनत करे तो शुरुआत में इनकम कम आती है, 15,000-20,000, तो बोलते थे मेरा बेटा तो 1.25 लाख रुपए कमाता था, 20-25 हजार के धंधे में लगा के बैठे हो। मैंने कहा अंकल जी थोड़ा सा इंतजार करो, ये इनकम बढ़ेगी, 12 साल स्कूल में पढ़ा होगा बेटा, फिर 3 साल कॉलेज में पढ़ा होगा, फिर 4-5 साल क्लिनिक में इंस्टीट्यूट में पैसा खर्च किया होगा, तब डॉक्टर बनाए। लेकिन पिताजी की सोच तो अलग थी ना, मां बाप की सोच तो अलग थी ना, वाइफ की सोच अलग थी, उनको समझ में नहीं आता था, बेटे को मेरी बात समझ में आती थी। धीरे धीरे फिर हमने कंपनी चेंज की,
उस कंपनी में वो भी हमारे साथ आ गए और वहां चमत्कार हो गया। वहां पे उनकी इनकम जो 25-26 हजार के लिए संघर्ष कर रहा था वो 1 लाख 1.25 लाख 1.5 लाख 1.25 लाख 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख 4.25 लाख रुपए महीने तक की आमदनी पहुंच गई। अब पिताजी खुश, मम्मी जी खुश। अब जब उनके घर में जाता था तो पिताजी एक ही बात बोलते थे, पिछले महीने 4.25 ही आया है, संतुष्टि कहीं है नहीं, 25 में भी परेशान और 4.25 में भी परेशान। और मैं पूछ रहा हूं कि 4.25 के लिए किया क्या ये बताओ, समझ रहे हो सर? Yes. समझ रहे हो? Yes, sir. तो परिवार रोकेगा, हर तरीके से रोकेगा आपको, लेकिन जब पैसा घर में आता है ना, परिवार नहीं रोकता फिर आपको। तो ये आपको समझाना है परिवार को कि रातों रात कोई भी चीज बड़ी नहीं होती। मेरी वाइफ सामने बैठी हुई है, रोका शुरू में इन्होंने, मेरे मां बाप ने मुझे रोका, मेरे सास ससुर ने मुझे रोका, मेरे रिश्तेदारों ने बोला बेकार के काम में लगा हुआ है, सब कुछ खत्म कर लिया, जमा पूंजी खत्म हो गई, जेवर खत्म हो गया, बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद इसको समझ में आनी शुरू हो गई थी, इसने कहा नहीं आप लगे रहो, मैं भी आपके साथ हूं। आज हम यहां पहुंच गए, बोलने वाले बोल ही रहे हैं आज भी। तो परिवार को नॉलेज नहीं है, तो ऐसे टाइम पे जब परिवार को नॉलेज ना हो, परिवार आपको इस काम के लिए मना करे, तो थोड़ा सा हमें क्या करना है, इस तरीके से इस बिजनेस को डिजाइन करना है, इस तरीके से इस बिजनेस में काम करना है कि परिवार भी खुश रहे और आप भी खुश रहो, परिवार को परेशान या नाराज नहीं करना है। थैंक यू। ठीक है सर, तो परिवार भी रोड़ा अड़चन नहीं है।